कोई भी सुधार तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के मानकों, समुदाय की सत्ता और समुदाय के हित से ऊपर और उससे अलग अपने विचारों, अपनी धारणाओं और स्वयं की स्वतंत्रता और हित पर अधिक बल देता है। लेकिन यह सुधार आगे लगातार संपन्न होगा या नहीं, इस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का समुदाय उसके दृढ़ विचारों को किस सीमा तक समर्थन देता है। अगर समुदाय में सहनशीलता की भावना है और वो अपने लोगों से न्याय उचित व्यवहार करता है तो ऐसे व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहेंगे और अंततः अन्य लोगों को भी नए विचारों से सहमत कराने में सफल हो जाएंगे। किंतु दूसरी ओर अगर समुदाय सहनशील नहीं है और वह सही या गलत किसी भी उपाय से ऐसे व्यक्तियों की आवाज को दबा देता है तो ऐसे व्यक्ति समाप्त हो जाएंगे और सुधार की आशा भी समाप्त हो जाएगी। आजकल किसी भी जाति के पास किसी भी ऐसे व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करने का पूरा अधिकार रहता है जिसने उस जाति के नियम को तोड़ने का अपराध किया हो। अगर इस बात को समझ लिया जाए कि जाति से बहिष्कृत होने का अर्थ है उसे समाज के किसी भी कार्य में भाग न लेने देना, तो वस्तुतः यह कहना कठिन है कि जाति बहिष्कार अधिक कठोर दंड है या मृत्यु। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि किसी हिंदू में यह साहस नहीं है कि वह जाति की सीमा को तोड़कर अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कर सके। यह सही है कि आदमी अपने सहयोगियों से पूर्णतः सहमत नहीं हो सकता, लेकिन यह भी सही है कि वह उनके बिना रह भी नहीं सकता। वो चाहता यह है कि उसके सभी साथी उसकी अपनी शर्तों पर उसके साथ रहे, लेकिन अगर वे लोग उसकी शर्तें नहीं मानते तो वह किसी भी शर्त पर उनका साथ लेने के लिए तैयार हो जाएगा, भले ही उसे इसके लिए पूर्णता आत्मसमर्पण करना पड़े। कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। मनुष्य की असहायता का लाभ उसकी जाति हर समय उठाने के लिए तैयार रहती है और वो इस पर भी बल देती है कि सभी व्यक्ति उस जाति की संहिता का अक्षरशः और तत्वतः पूरा पालन करे। कोई भी जाति किसी भी सुधारवादी व्यक्ति के जीवन को नरक तुल्य बना देने के लिए षड्यंत्र करके बड़ी आसानी से अपने को संगठित कर सकती है। अगर षड्यंत्र अपराध है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि अगर कोई आदमी अपने जाति के नियमों के विरुद्ध कुछ करने का साहस करता है तो उसे जाति बहिष्कृत करने के जघन्य अपराध को कानून में दंडनीय अपराध क्यों नहीं बनाया जाता। लेकिन आजकल जो स्थिति है उसके अनुसार कानून ने भी हर जाति को इस बात का पूरा अधिकार दे रखा है कि वह अपने सदस्यों के लिए नियम बनाए, उन्हें उनके अनुसार चलाए और विरोधियों को जाति बहिष्कृत करके दंडित करे। इस प्रकार रूढ़िवादियों ने सुधारकों को उत्पीड़ित करने और सुधारों को समाप्त करने के लिए जाति को सशक्त माध्यम के रूप में अपनाया है। हिंदुओं की नीति और आचार पर जाति प्रथा का प्रभाव अत्यधिक शोचनीय है। जाति प्रथा ने जनचेतना को नष्ट कर दिया है, उसने सार्वजनिक धर्मार्थ की भावना को भी नष्ट कर दिया है। जाति प्रथा के कारण किसी भी विषय पर सार्वजनिक सहमति का होना असंभव हो गया है। हिंदुओं के लिए उनकी जाति ही जनता है, उनका उत्तरदायित्व अपनी जाति तक सीमित है, उनकी निष्ठा अपनी जाति तक ही सीमित है, गुणों का आधार भी जाति ही है और नैतिकता का आधार भी जाति ही है। सही व्यक्ति के प्रति अगर वो उनकी अपनी जाति का नहीं है, उनकी सहानुभूति नहीं होती, गुणों की कोई सराहना नहीं है, जरूरतमंद के लिए सहायता नहीं है, दुखियों की पुकार का कोई जवाब नहीं है, अगर सहायता दे तो वह केवल जाति मात्र तक सीमित है। सहानुभूति है लेकिन अन्य जातियों के लोगों के लिए नहीं। क्या हिंदू किसी भी महान और अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं और उसका अनुकरण कर सकते हैं? यदि कोई महात्मा हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन सामान्य उत्तर यही है कि वह किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वो उसके जाति का हो। ब्राह्मण ब्राह्मण नेता को ही मानेगा,
कायस्थ नेता का ही अनुसरण करेगा आदि आदि। हिंदुओं में इस बात की क्षमता ही नहीं है कि वे अपने जाति से भिन्न अन्य जाति के व्यक्ति के गुणों का सही मूल्यांकन कर सके। गुणों की सराहना तभी होती है जब वह व्यक्ति अपनी जाति का हो। उनकी पूर्ण नैतिकता उतनी ही निम्न कोटि की है जितनी जंगली जातियों की होती है। आदमी कैसा भी हो, सही या गलत, अच्छा या बुरा, बस अपनी जाति का होना चाहिए। न उन्हें गुणों की प्रशंसा से मतलब है, न बुराई के विरोध से। उनके लिए मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि अपने जाति का पक्ष ले या नहीं। क्या हिंदुओं ने अपने जाति के हितों स्वार्थों की रक्षा करने में अपने देश के प्रति विश्वासघात नहीं किया?